कंबोडिया की रहने वाली 74 साल की महिला किम हैंग किम हैंग ने एक 5 महीने की बछड़े से शादी कर ली है। मामला सामने आने के बाद बछड़े और महिला की तस्वीर इंटरनेट पर काफी ट्रेंड कर रही है। दरअसल महिला को भरोसा है कि उसका पति मौत के बाद इसी बछड़े के रूप में वापस लौटा है। महिला ने बताया कि पिछले साल उसके पति की अचानक मौत हो गई थी और मार्च में वो बछड़े का रूप लेकर एक बार फिर जन्म लिए हैं। किम ने बताया कि उसके पति जो काम करते थे ठीक वैसे ही यह बछड़ा भी उसके और परिवार के साथ पेश आता है। महिला के दावों के बाद से ये बछड़ा गांव में एक लोकल सेलिब्रिटी बन गया है। महिला के घर वालों ने भी उसके दावों पर यकीन कर लिया है और बछड़े के साथ परिवार के सदस्य जैसा बर्ताव करने लगे हैं। कंबोडिया के कारकाटी प्रांत के इस बछड़े को रोजाना करीब सैकड़ों लोग देखने आते हैं। बता दें कि कंबोडिया के ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। किसी खटाल में रहने की बजाय बछड़ा महिला के कमरे में ही परिवार वालों के साथ रहता है। यहीं उसे खाना खिलाया जाता है, नहलाया जाता है और उस तकिए पर सुलाया जाता है जिस पर कभी महिला का पति टॉलकुट सोया करता था। वहीं बच्चों को भी भरोसा है कि 5 महीने का यह जानवर ही उनका पिता है। उनका कहना है कि वे कभी भी इसे बेचेंगे नहीं, हमेशा देखभाल करेंगे।